19 मई को प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवार जहां अपना अपना वोट बैंक जोड़ने में जुटे हैं, तो ऐसे में एक महिला ऐसी भी है जो देश व प्रदेश के विकास के लिए मतदाताओं से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। कहलूर रियासत के आखिरी राजा आनंद चंद की बेटी राजकुमारी सुनंदा चंद बिलासपुर के विकास और प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मतदाताओं से वोट फर्स्ट की अपील करती दिखी। हिमाचल में विलय से पूर्व बिलासपुर कहलूर रियासत के नाम से पहचान रखता था, जिसके आखिरी राजा आनंद चंद ने अपनी रियासत के लिए कई बड़े काम किए थे। राजा आनंद चंद का कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ उठना बैठना था, जिसके चलते जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सहित राजीव गांधी से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे थे। वहीं राजा आनंद चंद के सपनों को पूरा करने और बिलासपुर के विकास के साथ ही समाज सेवा में अपनी भागीदारी अदा करने के मकसद से उनकी बेटी राजकुमारी सुनंदा चंद इंग्लैंड में डॉक्टरी का पेशा छोड़ वापस लौटी है। बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए सुनंदा चंद ने कहा कि पिछले 15 सालों में बिलासपुर का विकास थम सा गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य, सड़क व रेलवे जैसी सुविधाएं नदारद नजर आती हैं। सुनंदा चंद ने बिलासपुर के साथ ही प्रदेश के विकास के लिए और शिमला व बिलासपुर सहित कई इलाकों में हुए दुष्कर्म के मामलों पर रोकथाम के लिए मतदाताओं से वोट फर्स्ट की अपील की है, ताकि एक तरफ जहां प्रदेश का विकास हो सके तो दूसरी ओर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। मैं पायो पहने से सुन रही हूँ कि यहाँ पर हमारा बिलासपुर में पिछले 15 सालों से ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, ना हॉस्पिटल, ना रेलवे लाइन, ना फोर लेन। मुझे दुखी होता है ऐसी बात सुन के। हमारे बिलासपुर के अंदर भी बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हो जाओ, अच्छे से सड़कें, रेलवे लाइन, पानी की टिकट नहीं और बिजली की टिकट नहीं। ये मेरे दिल की इच्छा है। 3 साल की बच्चे स्कूल में ऐसे हो सकता है? आज 21st सेंचुरी में बहुत हैरान की बात है, बहुत दुखी मिलता है हम सबको। इंडिपेंडेंस के बाद कितना साल हो गया और आज भी बिलासपुर में ये हो रहा है, और ये नहीं कि सिर्फ बिलासपुर में हो रहा है, सारे देश में हो रहा है। शिमला भी हो रहा है, दूसरे जगह भी हो रहा है, बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे जगह भी हो रहा है। हमारा फर्ज है, ड्यूटी है कि हम वोट करना चाहिए चेंज के लिए, ताकि ऐसे खबर हमको नहीं पहुँच पाए। आपके हाथों में है कि वो आने वाले समय कैसे हो सकता है, और आप पायो पहने चेंजेस बहुत ज़रूरी है आज अभी इसी वक्त। और मैं आपको हाथ जोड़ के ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वोट करिए जी, वोट फॉर चेंज। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से कैमरामैन अजय के साथ विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।